हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के कुछ रहस्यमयी और चौंकाने वाले जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में जमी बर्फ में एक जगह ऐसा भी है जहाँ लाल रंग का झरना बहता है। इसे देख ऐसा लगता है कि मानो इस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं, पर कोई निश्चित नतीजा नहीं निकल पाया है। उनका एक अनुमान यह है कि शायद इस जगह की बर्फ़ के नीचे आयरन की मात्रा ज़्यादा है, जो पानी से मिलकर उसे लाल रंग देती है। हालांकि यह लाल रंग का झरना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मैग्नेटिक हिल, न्यू ब्रंसविक। कनाडा का ये मैग्नेटिक हिल अपने आप में ही एक रहस्य है। इस हिल पर ऐसा मैग्नेटिक प्रभाव है कि बिना स्टार्ट किए भी गाड़ी अपने आप चलने लगती है। सन 1930 में पहली बार इस जगह के मैग्नेटिक प्रभावों के बारे में पता चला था। इस जगह के मैग्नेटिक रहस्य का पता लगाने का काम आज भी जारी है और यह जगह आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारे भारत के लद्दाख शहर में भी एक मैग्नेटिक हिल है, जिसके बारे में मैं फिर कभी विस्तार से बताऊंगा। सर्टसी आइलैंड, आइसलैंड। इस आइलैंड का अपने आप बनना किसी रहस्य से कम नहीं। सन 1963 से पहले इस आइलैंड का कोई अस्तित्व नहीं था। 1963 में यहाँ पानी के अंदर से अचानक एक ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी में लगातार 1967 तक विस्फोट होता रहा और साथ ही ज्वालामुखी का आकार और ऊंचाई बढ़ती रही। जब 1967 में ज्वालामुखी बिल्कुल शांत हुआ, तब समुद्र के बीचों बीच एक नया आइलैंड बन चुका था। इस आइलैंड का इस तरह से बनना खुद में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। मूविंग स्टोन्स, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी अबूझ पहेली बनी हुई है। डेथ वैली पूरी तरह सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। हालांकि किसी ने अपनी आंखों से इन पत्थरों को खिसकते हुए नहीं देखा है, पर सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर से भी ज़्यादा खिसके मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने पत्थरों के रहस्य जानने के लिए कई सालों तक उनका अध्ययन किया, पर कोई इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा पाया और आज भी ये पत्थर अपने आप ही खिसकते हैं। नेट्रॉन लेक। नॉर्थ टांजानिया का नेट्रॉन झील एक ऐसा झील है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसके पानी को स्पर्श करता है वो पत्थर का बन जाता है। इस झील की खोज एक फोटोग्राफर निक ब्राइन ने की थी, जिसने वहाँ के पक्षियों को पत्थर की तरह बिल्कुल सूखा पाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण इस पानी में जो भी पशु पक्षी जाता है वो कुछ ही देर में कैल्सिफाई होकर पत्थर की तरह बन जाता है। पर पानी में इतनी ज़्यादा मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट के होने का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। फ्रेंड्स, इस अनंत ब्रह्मांड में कई ऐसी अनोखी बातें जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं पता, और जो पता भी है वो मात्र एक कण के समान है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।